हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो क्वेश्चंस बचे हुए थे। तो जरा देखिए, इसमें अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका, 9 नंबर से क्वेश्चन बचे थे। तो 9 अगर देखें तो क्या बताया, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, इसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। तो चलिए LHS ले लेते हैं एंड देन हल करते हैं। क्या करेंगे, LHS बराबर क्या है, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। यहाँ पर हम लोग सूत्र लगाएंगे जो हमें सूत्र पता था, कौन सा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। ओके, वैल्यू तो कॉस इनवर्स एक्स बाई मतलब 4/5 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4/5 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, ये कितना बनेगा, 25 माइनस 16 जब हल करोगे, 25 इंटू ये कितना बनेगा, 169 माइनस 144 /169। उसे इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बनेगा, कॉस इनवर्स 48/65 माइनस ये 25 से 16 जब घटाओगे यहाँ से, ये 25 से और ये 16 बचेगा 9 के अंडर रूट वैल्यू 3, 25 की कितनी आएगी 5। यहाँ 169 से 144 घटाओगे 25, वैल्यू आएगी 5/13। तो बराबर क्या बनेगा, बराबर आएगा कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 15/65। इसे जब सिंप्लीफाई करोगे मतलब हल लासा सा, तो क्या आ जाएगा, 33/65। ये क्या हो जाएगा, RHS। यहाँ से लिख लेंगे LHS बराबर RHS, दैट्स प्रूव्ड। लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद दूसरा करता है। ओके, दूसरा देखिए, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन देखें तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया, प्रूव करना है। तो पहले LHS ले लेंगे, क्या है, 2 tan inverse 1/2 प्लस 10 inverse 1/7। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे, क्या, 2 tan inverse एक्स अपान बराबर 10 inverse 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये सूत्र लगा के इसमें क्या रखेंगे, वैल्यू से पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। मतलब 10 inverse 2x 2 इंटू 1/2 अपान 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 10 inverse 1/7। ये दो से दो कैंसिल, 10 inverse 1/1 माइनस 1/4 प्लस 10 inverse 1/7 बराबर 10 inverse 1/3/4 आ जाएगा प्लस 10 inverse 1/7। जब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, जरा देखिए, इसे हम ऐसे कर देते हैं, ला 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 ला। ओके, तो क्या बनेगा, बराबर 10 inverse 4/3 प्लस 10 inverse 1/7। चलिए लासा ले लेते हैं, जब ला मतलब सूत्र लगा देते हैं, 10 inverse x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाला। ओके, तो क्या वैल्यू बनेगी, 10 inverse लासा कितना, 21, 7 का इधर 7 चौक 28 प्लस 3/21 माइनस 4/21, 21 से 21 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ जाएगी, बराबर 10 inverse 28/3 31/17। ये आपका RHS हो गया, इसे भी लिख देंगे हम लोग LHS बराबर RHS। ओके, ये क्या हो गया, प्रूव्ड।
लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। हो गया, देखिए नेक्स्ट। ओके आगे देखिए जरा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, ये वाला। ओके तो इसे अगर हल करना है तो क्या करेंगे, पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, इसे हम कास में बदल लेते हैं। क्या बनेगा, कास इनवर्स 1 - x² मतलब 8/17 का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 - 3/5 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 - 64/289 प्लस कॉस इनवर्स 1 - 9/25। ओके इसे जब और करोगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी कॉस इनवर्स अंडर रूट 289 - 64/289 प्लस कॉस इनवर्स 25 - 9/25, ये किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर। ओके तो क्या लिख दोगे, कॉस इनवर्स 289 से 64 25, 25 की वैल्यू 15/17 प्लस कॉस इनवर्स 4/5, ये रूट रूट सॉल्व करेगा, राइट। अब इसका क्या करते हैं, सूत्र लगा देते हैं, कॉस इनवर्स एक्स बाई मतलब 15/17 × 4/5 माइनस अंडर रूट 1 - 15/17 का होल स्क्वायर माय गॉड, इधर ले जाते हैं इधर साइड, ओके इनटू अंडर रूट 1 - 4/5 का होल स्क्वायर। ओके सिंपलीफाई करोगे क्या बनेगा, कॉस इनवर्स 15 × 4 कितना होता है 60/85 माइनस ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये बनेगा जाके 8/17 जब सॉल्व करोगे, राइट। ये कितना बनेगा, ये 8/17 बनेगा, ये आपका 3/5 बनेगा। सॉल्व कर लेना क्या बनेगा, कॉस इनवर्स 60/65/85 माइनस 24/85, जब घटाओगे तो बराबर क्या आएगा, कॉस इनवर्स 36/85, ये क्या आ गया, RHS है ना। तो यहीं से हम क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS, दैट्स प्रूव्ड। ओके जल्दी से करिएगा, इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। देखिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, ये तो हो गया था, हाँ नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, कौन सा, ये वाला। ओके तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, जब करेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, LHS बराबर कॉस इनवर्स, कॉस है ना कि इनवर्स है। ओके क्या लिखेंगे, कॉस बड़ा ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। LHS ले लिया मैंने, LHS लेने के बाद इसे हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, इसे कॉस बड़ा ब्रैकेट साइन इनवर्स जो है इसे हमें टैन में बदलना है, तो इसे हम अगर टैन में बदलें तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर 3/5, ये मान लो ट्रेंगल बनाओ ऐसे, ये 3, 5, ये क्या आ जाएगी 4 है ना, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से 3/4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, इसे आप सिंप्लीफाई करिए सही से, ठीक है। तो ये वैल्यू बनेगी टेन इनवर्स
तीन बटे चार, और ये जो तीन बटे दो है तो ये क्या बनेगा, इनवर्स है, टेन इनवर्स दो बटे तीन। इसमें सूत्र लगा देते हैं कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स ना है यार, बार बार गलती हो रही है। ओके, कॉस बड़ा ब्रैकेट टेन इनवर्स तीन बटे दो प्लस दो बटे तीन अपान वन माइनस तीन बटे दो इंटू दो बटे तीन। ओके, तीन बटे चार है। ओके, तीन से तीन, दो दूना चार, तो बराबर क्या बनेगा, कॉस बड़ा ब्रैकेट टेन इनवर्स तीन तरके नौ चार दूनी आठ बटे बारह, और बटे अगर ये बारह ले लें तो बारह माइनस छः बटे बारह ये आएगा। सिंप्लीफाई करिए। ओके, तो क्या बनेगा, कॉस टेन इनवर्स सत्रह बटे छः। अगर टेन सत्रह बटे छः बना, अभी से हम ट्रेंगल बना सकते हैं, ये सत्रह है ये छः है, तो ये क्या बनेगी, दो सौ नवासी प्लस छः, मतलब छत्तीस। दो सौ नवासी प्लस छत्तीस कितना होता है, ज़रा देखिए करते हैं फैक्टर कितना आएगा, दो सौ नवासी प्लस छत्तीस तीन सौ पच्चीस, क्या आएगा तीन सौ पच्चीस, और तीन सौ पच्चीस के जब फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस कॉस इनवर्स आधार बटे का मतलब छः बटे अंडर रूट तीन सौ पच्चीस। ओके, तो बराबर छः बटे पाँच अंडर रूट तेरह, इसे साल्व कर लीजिएगा, ये आपका आर एच एस आ गया, यहाँ से लिख देना एल एच एस बराबर आर एच एस सिंप्लीफाइड। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, लिखिए जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ता है, जल्दी करिएगा थोड़ा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए जरा, अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्टीन नंबर, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाएगा तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, ये। ओके, चलिए करते हैं, तो इसमें क्या मांगे गए जरा देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो क्या करेंगे, एल एच एस बराबर लेंगे, नो एल एच एस ना लीजिए, डायरेक्ट हल करिए, ठीक है, यहाँ करेंगे लेट कॉट इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो क्या आएगा, कॉट थीटा बराबर एक्स आ जाएगा, कॉसिक थीटा बराबर क्या आएगा, अंडर रूट वन प्लस काट स्क्वायर थीटा, मतलब अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, कॉसिक थीटा अगर ये आया तो यहाँ से साइन थीटा क्या आएगा, वन अपान अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉट इनवर्स एक्स, साइन कॉट इनवर्स एक्स कितना आएगा, वन अपान अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, अगर इतना आएगा तो बस इसे धीरे से करने चलते हैं, ये फेस रिवील करते हैं इतना। ओके, जब इतना आया साइन के बाद में क्या है, टेन, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स। ओके, इतना है बराबर क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स वन अपान अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, टेन इनवर्स मतलब इतने की जगह ये इतना है, समीकरण एक डालते हैं, तो यहाँ से अगर वैल्यू देखो तो क्या बनेगी, कॉस टेन इनवर्स ये बड़ा ब्रेकर लगा दें, ओके, फिर साइन कॉट इनवर्स एक्स बराबर ये क्या लिख जाओगे, कॉस टेन इनवर्स वन अपान अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये समीकरण दो लेके हल कर देते हैं। ओके, तो जरा देखिए समीकरण दो से पूरा सही से समझिएगा, क्या लेंगे, लेट कॉस
टेन इनवर्स वन अपान अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर थीटा मानोगे या नहीं? ये भाड़ में गया, थीटा ना मानो, इसे ऐसे करते हैं, टेन मान लेते हैं हम कुछ, लेट टेन इनवर्स वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर बराबर थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा, वन अपान अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ऐसे त्रिभुज बनाएंगे, हल कर देंगे। ये त्रिभुज बनाया मैंने, अगर त्रिभुज बनाया तो इसमें वैल्यू रख दो, ये वन है, ये अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगी, ये आएगी टू प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से कॉस अगर निकालोगे, कॉस थीटा बराबर, तो क्या आ जाएगा, आधार बटे कर मतलब वन प्लस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट टू प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जब वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगी, हेंस हेंस कॉस टेन इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स बराबर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस टू, क्या लिख दोगे, प्रूव्ड। ओके लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे करते हैं। ओके क्या लिखोगे, प्रूव्ड लिखिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, अगर अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे LHS ले लेते हैं, पेज को जूम कर देते हैं थोड़ा सा। ओके क्या लेंगे, LHS बराबर टू टेन इनवर्स एक बटे पाँच प्लस सेक इनवर्स पाँच अंडर रूट दो बटे सात प्लस टू टेन इनवर्स एक बटे आठ। ओके तो इसमें चलिए ट्रायंगल वगैरह बनाते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके जब ये ट्रायंगल बना, यहाँ पे मानेंगे लेट सेक इनवर्स पाँच अंडर रूट दो बटे सात बराबर थीटा, तो सेक थीटा बराबर कितना आएगा, पाँच अंडर रूट दो बटे सात। सेक थीटा होता क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है, पाँच अंडर रूट दो बटे आधार सात है, लंब निकाला है, तो एल स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या आएगा, पाँच अंडर रूट दो का स्क्वायर माइनस आधार सात का स्क्वायर, तो पचम पच्चीस दो ना पचास माइनस उनचास कितना आ जाएगा, एक, लंब कितना आ गया एक, तो ये एक आ गया। तो यहाँ से टेन थीटा जब निकालोगे तो एक बटे सात आएगा, दिस बिलोंग थीटा बराबर क्या आएगा, टेन इनवर्स एक बटे सात, मतलब कहने का है सेक इनवर्स पाँच अंडर रूट दो बटे सात प्लस नहीं बराबर टेन इनवर्स एक बटे सात, मतलब इसकी जगह हम टेन इनवर्स एक बटे सात रखेंगे। ओके तो जरा देखिए, अगर और करें तो इसे और क्या सिंप्लीफाई करेंगे, इसे लिख लेते हैं टू टेन इनवर्स एक बटे पाँच प्लस ये वाला टर्म पहले, टू टेन इनवर्स एक बटे आठ प्लस टेन इनवर्स एक बटे सात, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो चलो करते हैं, इसमें क्या करेंगे, दो कामन ले लें, दो जब कामन लेंगे तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक बटे पाँच प्लस टेन इनवर्स एक बटे आठ बड़ा ब्रैकेट टेन इनवर्स एक बटे सात, राइट। इसे और करोगे क्या बनेगा, टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मतलब एक बटे पाँच प्लस एक बटे आठ बटे वन माइनस एक बटे पाँच इंटू एक बटे आठ प्लस टेन इनवर्स एक बटे सात बराबर क्या बनेगा, टू टेन इनवर्स आठ पाँच आठ पाँच चालीस
आठ और पाँच इधर, 40 से एक गया बटे 40, 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1/7। इसे और जब करोगे तो क्या बनेगा, 2 tan inverse 13/ 40 से गया 39 प्लस टेन इनवर्स 1/7। देखो 13 तिया कितना होता है 39, तो बराबर क्या बचा, 2 tan inverse 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। इसे हम टेन की फॉर्म में लिखेंगे, क्या आएगा, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², यही होता है, प्लस टेन इनवर्स 1/7। ओके, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बनेगा ये, इसे पेज को सही कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, यहाँ से कर देते हैं, जब इसे और करोगे तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स 2/3/9 - 1/9, 3 * 9, 3 ऊपर प्लस टेन इनवर्स 1/7, राइट। ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स 2/8, 2 * 3 = 6, 6/8 प्लस टेन इनवर्स 1/7, 2 * 3 = 6 और 2 * 4 = 8, तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7 बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, 3/4 प्लस 1/7 बटे 1 - 3/4 इंटू 1/7 बराबर टेन इनवर्स 7 * 21 और 4 बटे 28 - 3/28, 28 से 28 कैंसिल, क्या आएगा, टेन इनवर्स 21 * 4 कितना होता है 25, 28 से 3 गया 25, 25 से 25 खत्म, टेन इनवर्स कितना बचा 1, ये कितनी वैल्यू होती है, टेन इनवर्स 10 π/4 की, राइट। इसका मतलब है कि आगे जब सॉल्व किया तो वैल्यू क्या बनी हमारी, फाइनल π/4। ओके, हेंस क्या लिख सकते हैं, 2 tan inverse 1/5 प्लस sec इनवर्स 5 √2/7 प्लस 2 tan inverse 1/8 बराबर π/4 प्रूव्ड। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। कहाँ राजा जी, कहाँ चल रहे हो? ओके, प्रूव्ड, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्या क्वेश्चन दिया गया, ये है। ओके, तो इसमें हम चलिए सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो हम लेट करेंगे, लेट क्या मानेंगे, लेट में जरा ये भी देख लीजिएगा, लेट में मानेंगे कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो दिस बिलोंग एक्स बराबर आएगा कॉस थीटा, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स की जगह क्या रख देंगे हम, थीटा, एलएचएस बराबर ले लेते हैं, वैल्यू रखते हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बड़ा ब्रैकेट एक्स बटे दो प्लस 1/2, हमने इसमें क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 - x², राइट, तो क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स की जगह थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इंटू एक्स, एक्स की जगह कॉस थीटा प्लस √3/2
इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? इसे लिखिएगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स। जरा ये बताइए कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है? कॉस 60 की। कॉस 60 को पाई 3 बोलते हैं, कॉस थीटा। अंडर रूट 3/2 साइन में कितनी होती है? साइन पाई 3 इंटू साइन थीटा। ये सूत्र किसके बने? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी का, मतलब पाई 3 माइनस थीटा। ओके, कॉस से कॉस कैंसिल तो बराबर क्या आ जाएगा? बराबर जब इसे और सिंप्लीफाई करोगे, आगे ले चलोगे, तो बराबर क्या लिखोगे? थीटा प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? पाई बाई 3 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, ये क्या आएगा? पाई बटे 3, ये आपका क्या हो गया? आरएचएस। फिर क्या लिखेंगे? एलएचएस बराबर आरएचएस, प्रूव्ड। ओके, देखिए जल्दी से, इसके बाद 16 नंबर करते हैं। चलिए देखते हैं, अगर 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें क्या बताएंगे? ये x का मान निकालना है। अच्छा, आपको पता होगा 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू पुट करता है यहाँ पे, क्या आएगा? tan इनवर्स 2x मतलब 2 sin x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर tan इनवर्स 2 sec x। टेन इनवर्स से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 2 अपान कॉस एक्स। कॉस से कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर 1। ये क्या बचा? टेन एक्स बराबर, टेन में कितनी वैल्यू होती है? पाई बाई 4 की। तो x कितना आ जाएगा आपका आंसर? पाई बाई 4। ये क्या हो गया आंसर? लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, जल्दी करिएगा। लेकिन ओके ओके, जरा देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इश्क इश्क करना, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना? देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया गया, लेट करेंगे। कॉट इनवर्स 3/4 बराबर थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या आएगा? 3/4। हम त्रिभुज बनाएंगे, ओके, बन गया 3/4, मतलब ये क्या होता है? आधार बटे लंब, 3/4। तो ये आ जाएगा पाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ से साइन थीटा जब निकालोगे तो क्या आएगा? 4/5, मतलब कॉट इनवर्स 3/4 बराबर साइन इनवर्स 4/5। चलिए वैल्यू रखते हैं। अब इतना अगर यहाँ पे आ गया, ऐसे इसे अगर सिंप्लीफाई कर लें, कॉस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स को कॉस में अगर बदलो, चूंकि टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है कॉस इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो क्या आएगा? 1 अपान कॉस इनवर्स में कॉस इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो वैल्यू रखते हैं। नाउ नाउ क्या दिया गया? कॉस टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन कॉट इनवर्स 3/4। वैल्यू रखिए सबकी। जब सबकी वैल्यू रखनी होगी तो वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा? यहाँ पे आएगा कॉस कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर साइन साइन इनवर्स 4/5। सब कैंसिल, 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4/5, है ना। स्क्वायर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करिए,
आएगा, 1/5 + x² बराबर 16/25। तो 1 + x² बराबर 25/16, x² बराबर 25/16 - 1। लासा ले लो, x² बराबर 25 - 16/16, राइट। जब इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या वैल्यू बनेगी, ये बनेगी x² बराबर 25 से 16 गया 9/16, x बराबर +/√9/16, x बराबर +/3/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ेंगे।